नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम गाजीपुर पहुंच चुके हैं। गाजीपुर में पिछले जो सांसद थे वो बसपा सपा गठबंधन से बसपा के अफजाल अंसारी थे। इस बार वो सपा से मैदान में है। भाजपा ने नए उम्मीदवार को पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह है। तीनों में यहाँ के लोगों का कहना है कि मुकाबला तीनों के बीच है। बहरहाल हम यहाँ कुछ लोग हैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, हम उनसे समझेंगे कि क्या मुद्दे हैं, कौन प्रत्याशी किस पर भारी है और जब वो 1 जून को वोट डालेंगे तो किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। क्या नाम है सर आपका? राम दुलार सिंह यादव। थोड़ा सा अच्छा, एडवोकेट हैं जी, जी। तो एक उम्मीदवार एडवोकेट भी हैं यहाँ मैदान में, जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और अफजाल अंसारी हैं समाजवादी पार्टी से और एक नए उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय भाजपा से। तीनों उम्मीदवार में क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, अब बीजेपी के उम्मीदवार तो अभी नए हैं जी, चेहरा तो अभी नया है, भले संगठन से जुड़े हों आरएसएस के, लेकिन कहीं सामाजिक आना जाना नहीं रहा है। वो शायद स्कूल चलाते थे, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, लेकिन उनके बेटे तो लोग बताते हैं बहुत सक्रिय रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भाई मैं तो अनुभवी हूँ इस बारे में, उनके लड़के के बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा, आप आशुतोष राय के बारे में नहीं जानते? अच्छा चलिए ठीक है, जो मौजूदा सांसद हैं और अभी सपा से उम्मीदवार हैं, उनका 5 साल का कामकाज कैसा रहा? अब उनको टाइम कहाँ मिला, कोर्ट कचहरी आते जाते रहे, जो टाइम मिला उसमें काम हुआ है। अच्छा, काम हुआ है, काम कराए हैं सड़कों का। तो संभावना तो ये भी है कि उनका आगे भी कोर्ट कचहरी लगा रहेगा। इसी आशंका से उन्होंने बेटी से भी पर्चा भरवाया है कि कहीं मेरा रद्द हो जाए, कहीं फैसले आ जाए किसी केस का, तो कम से कम बेटी उम्मीदवार रहे। तो मतलब ऐसे ये सब चीजें क्या वोटिंग को प्रभावित करेंगी? क्योंकि जब हम घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वो बेचारे कोर्ट कचहरी में ही फंसे रह गए, जिसकी वजह से काम नहीं किया कोई उन्होंने। और हम जब शहर में आज दोपहर से घूम रहे तो कई जगह लोगों ने कहा कि हम तो 5 साल उनको देखे ही नहीं। तो ये क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि उनकी आशंका है कि वो आगे भी कोर्ट कचहरी में फंसे ही रहेंगे। अब तो ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। नहीं नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर अब तो लोकसभा में उनका सदस्यता का जो भी होगा लोकसभा से होगा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट कचहरी में बिजी रहेंगे। मैं चलिए ठीक है, चलिए सर, वो मैं उनसे जो सवाल किया था मैंने उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो अफजाल अंसारी का, लोग बता रहे हैं कि पूरा कार्यकाल जो है कोर्ट मुकदमों इन्हीं सब में बिजी रह गया और क्षेत्र को उस तरह से ध्यान नहीं दे पाए। आशंका है कि आगे भी उनका समय कोर्ट कचहरी में काफ़ी जाएगा। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा क्या कि ये मुकदमेबाजी में फंसे रहेंगे, क्षेत्र पर उतना विकास नहीं दे पाए, ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये सब चीज़ें आपके ध्यान में रहेगी क्या वोट डालते समय? नहीं नहीं। अच्छा देखिए, प्रत्याशी कौन है इससे मतलब हम लोगों से नहीं। अच्छा, आप लोगों को प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं? हम लोगों को ये चाहिए कि मोदी जी जो देश के संविधान को समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, और संस्थाओं को बेच रहे हैं। अच्छा, संविधान को समाप्त कर रहे हैं, ये 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 मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों को कहाँ से जानकारी मिली है? अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जान रहे हैं ना। अरे मतलब थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप ही जो जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संस्थाओं को जो बेच रहे हैं। अच्छा। जैसे आर्मी में पहले यहाँ भर्ती होती थी, पहले तो 15 साल 18 साल के लिए होती थी, अब आर्मी में होम गार्ड से भी बदतर स्थिति मोदी जी ने पैदा कर दिया, अग्निवीर कर दिया। ठीक है, अब जिसे किसी का गरीब बच्चों का भविष्य रहता था, जाते थे अपनी कर लेते थे, अब ये मोदी जी ने इसको समाप्त कर दिया, अग्निवीर कर दिया 4 साल के लिए। ठीक है, दूसरी बात, हम चाहते हैं कि पहले जैसे भर्तियाँ होती थी उस तरह हो, संस्थाएँ जो बिक रही हैं, जैसे यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, ये आउटसोर्सिंग पर लोग कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जैसे गुजरात का एक ठेकेदार है ले लिया ठीके पर कर्मचारी रखने का, ठीक है, काम करने का, अब वहाँ सरकारी कर्मचारी न हो करके एक ठेकेदार के आश्रित हो करके काम कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए तनख्वाह 50,000 30,000 रुपए, जिससे परिवार का जीविका चल सके। मोदी जी ने क्या किया, सरकार तो उतना पैसा दे ही रही है, लेकिन जो ठेकेदार है आधे से पैसा वो ले रहा है, संबंधित मंत्री उसमें पैसा कमीशन ले रहा है,
आते आते कर्मचारी के ऊपर कितना पड़ गया, 10,000, 8,000, 12,000, 5,000। तो ये बताइए, उनको चाहिए पूरी पेंशन, मोदी जी को, मोदी जी के मंत्रियों को, सांसदों को पूरी, मतलब पेंशन चाहिए। वो तो सारे सांसदों को पेंशन पूरा मिले, वो सिर्फ भाजपा के सांसदों को नहीं मिलता। गंदा काम क्यों जनता के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं मोदी जी, ये बताइए। नहीं नहीं, मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपके मुद्दे क्या है। हमारे मुद्दे यही है, सुनिए, हमारे मुद्दे यही है कि इंडिया गठबंधन जीते, चाहे प्रत्याशी कौन हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा। जो राहुल गांधी जी ने, चाहे इनके सत्थु ने जो घोषणाएं जारी की है, वो घोषणा का लाभ लोगों को मिल सके। मोदी जी के जुमले को लोग जान गए हैं, एक भी बात वो बोलेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये तो जुमलाबाज आदमी है, ये जो भी कह रहा है इसका जुमले का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, क्या आप लोगों को लग रहा है कि कोई जो भी पार्टी आएगी, आप पेंशन की बात कर रहे थे, क्योंकि घोषणा पत्र में किसी ने नहीं कहा है कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे, तो क्या आप, तो फिर तो आपके मुद्दे यथावत ही रह जाएंगे। पूरा है, उससे कोई मतलब नहीं, सरकार बदला बदली हो, मतलब आपको ना मुद्दों से मतलब है, ना और ना प्रत्याशी बदला, आप चाहते हैं कि सरकार किसी तरह बदल जाए, ठीक बात है क्या। अरे सर, आप भी कुछ बोल लीजिए, हाल चाल ही बता दीजिए सर, हाल चाल ही बता दीजिए, क्या नाम है? राजेश उपाध्याय। राजेश जी, क्या करते हैं आप? सामाजिक सेवा, समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तब तो समाज के लिए आपको बोलना भी चाहिए सर। क्या क्या मुद्दा रहेगा 1 जून को जब वोट डालने जाएंगे? तो जमी बदले, जवा बदले, जवा की हवा बदले, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, इस गाजीपुर का जमा बदले। हम गाजीपुर के विकास के लिए अग्रसर चाहते हैं, गाजीपुर का विकास होता रहे और गाजीपुर में कोई विकास पुरुष आगे आगे गाजीपुर के विकास की बात करे, वही हम चाहते हैं। तो गाजीपुर का विकास कौन करेगा आपके हिसाब से? हम क्या जानते हैं कौन करेगा, जो बढ़िया नेता जनता चुनेगी वो करेगा। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं सर। हाँ, जनता जिसको चुनेगी वो विकास करेगा, विकास के लिए तो जनता चुनती है ना। ये इसी तरह का हो गया कि मैच कौन जीतेगा, तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हाँ, बिल्कुल, जिसको जनता और जनादेश मिलेगा वो जीतेगा। अच्छा, बधाई का पात्र है। पर अच्छा एक चीज़, चलिए ठीक है, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं, एक चीज़ बताइए, जो मौजूदा सांसद हैं उनका काम काज कैसा रहा 5 साल? मौजूदा सांसद 5 साल किसी से दिखे नहीं, अपने बेचारे कोर्ट कचहरी से परेशान थे, सजा हो गई, अब वो उसी में परेशान होते रहे, जनता के बीच नहीं आ पाए। और जो बसपा या भाजपा से उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या राय है आपकी? बसपा के उम्मीदवार तो बहुत ही ईमानदार उम्मीदवार हैं, डॉक्टर उमेश सिंह लड़ाकू हैं, जुझारू हैं, उनका तेवर एक अलग है, वो मैंने आप पार्टी से भी संचालन कर चुके हैं। अच्छा, आपसे चुनाव लड़ चुके हैं? लड़ चुके हैं, लोकपाल विधेयक का विरोध किए हैं कि लोकपाल लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा लोकपाल का था, जिसमें डॉक्टर उमेश सिंह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और उनकी पार्टी केजरीवाल कभी लोकपाल का नाम ही नहीं लेती है, उसी पर सरकार भी चलाती है। अच्छा, एक नारा मैं सुन रहा था, माफिया बना मास्टर, कितना प्रभावी है नारा? कोई नारा वाला यहाँ प्रभावी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये जातिवादी जिला है और जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जातिवाद पर वोट पड़ेगा, एक लाइन का सवाल है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार। नमस्कार नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह यादव है। अच्छा, और क्या पूछना चाहते हैं राजेश जी? चुनाव अब पूरी तरह से, मतलब धीरे धीरे चुनाव चल रहा है, हवा भी साफ होती दिख रही, आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे क्षेत्र में मुद्दे विकास का तो रहेगा, और भाजपा इस मुद्दे पर हारेगी कि वो कई सारे विभाग को तो प्राइवेट कर दिया। ठीक है, निजीकरण एक बड़ा मुद्दा कर लिया, ये बड़े, और नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है कि कुछ नौकरी दे भी रही है तो उसको लीक करके उसको ख़त्म करा दे रही है, लड़के सारे बेरोजगार हुए, और ये सरकार बेरोजगारी मुद्दा ये सब इसी पर आई थी, जनता को विश्वास में लेकर वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात है कि आरक्षण की जो बात है, जब सारे देश में प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण किसे लेने जाएंगे? प्राइवेट में आरक्षण लेंगे कि सरकारी संस्था में आरक्षण लेंगे? तो जब सारा देश भी प्राइवेट हो जाएगा, चाहे रेलवे हो, चाहे ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, चाहे सारे विभाग हो, तो हम लोग आरक्षण की जो बात पूरे देश की जनता कर रही है, वो किस विभाग में आरक्षण लेगा? कोई ऐसा विभाग बचे जिससे मिलिट्री भी प्राइवेट होने जा रही है?
मिलिट्री प्राइवेट होने जा रही है, होने जा रहा है प्राइवेट, मिलिट्री प्राइवेट होने जा रही है, होमगार्ड हो जाएगा। हम मिलिट्री चार साल का हो ही गई है, चार साल का मतलब प्राइवेट है ही नहीं क्या, चार साल नहीं नहीं, खैर निजीकरण तो नहीं है, निजीकरण नहीं है वो, सेना कभी निजीकरण नहीं हो सकता। प्राइवेट जो संस्था है उसमें आप आरक्षण का मांग करेंगे नहीं करेंगे, पूरे देश में तमाम पार्टियां, कुछ पार्टियां कह ही रही ना कि हम निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लाएंगे। प्राइवेट किस प्राइवेट कंपनी में आरक्षण की मांग करेंगे हम लोग? नहीं नहीं, कई कुछ पार्टियां कह रही हैं कि हम निजी क्षेत्रों में प्रयास भी हुए हैं कई बार कि हम अपने उद्योग जो हमारे यहाँ लगाएंगे हम उन पे शर्त रखेंगे कि आपको इतना प्रतिशत रोजगार यहाँ के इस तब के लोगों को देना पड़ेगा। कंपनी के मालिक जो प्राइवेट रहेगा, छोटे कंपनी को जब चाहेगा हटा के अपने को रख देगा, आरक्षण काम करेगा, और सारी संस्थाएं सरकारी जो प्राइवेट हो जाएगी, ये सरकार जाने का एक मेन मुद्दा ये भी है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि इसी मुद्दे पर सरकार चल जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप सरकारी कर्मचारी हैं ना? नहीं, हम वकील हैं। अच्छा, वकील हैं। वकीलों को तो कोई लाभ नहीं है सरकार दी जिंदगी में। अच्छा, आयुष्मान योजना हुआ उसमें वकील, गरीब वकील भी हैं, कुछ कम पढ़े कमाते हैं, उनको तो आयुष्मान योजना देना चाहिए। हर तरह की व्यवस्था की तो उस पर भी ध्यान देना, तो आयुष्मान योजना में लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, आयुष्मान योजना में अगर कोई बीपीएल से नीचे है तो उनको कैसे लाभ नहीं मिला, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। उसमें साफ लिखा है कि अधिवक्ता है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उसमें साफ लिखा है कि आप अधिवक्ता है, आपके पास एक बीसा खेत है, एक बीघा खेत है, अगर अधिवक्ता है तो आपको जो किसान सम्मान नहीं मिलेगा, उसमें साफ लिखा न मिला है। किसान सम्मान तो बेसिकली आप अगर इनकम टैक्स पे ही है तब नहीं मिलता है सर। नहीं, किसी वकील को मिला तो बताइए। किसान सम्मान निधि इनकम टैक्स पे ही है तभी नहीं मिलता। वकील को अगर 10,000 एक बीघा खेत है, सारे वकील को तो 50 बीघा खेत नहीं है, शहर में जितने हैं किसी के पास खेत नहीं है, अगर जिसके पास खेत भी एक बीघा भी एक मंडा पांच मंडा तो किसान सम्मान के अंतर्गत तो नहीं आएंगे, इसलिए कि वो वकील है तो उनको लाभ नहीं मिला। माननीय मुलायम सिंह यादव आए तो किसानों अधिवक्ताओं के लिए बजट दिए, बजट पास किए, सारे अधिवक्ता जो चैम्बर से होकर के अब जो अपना चैम्बर बना लिए करकट से होकर मकान में हो गए, तो सरकार ने जो योजना लिया अधिवक्ताओं को इसमें खारिज कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सारी तहसीलों में चैम्बर मिल गया है वकीलों को? हाँ, मुलायम सिंह यादव ने किए थे और उसी पर सब लोग। अच्छा, मैं दो तीन जगह पे गया हूँ, मैं इटावा में गए थे ना हम लोग, इटावा में भी गया था, अभी मछली शहर में भी आते वक्त गया, तो मुझे चैम्बर दिखे नहीं। चैम्बर इसलिए नहीं दिखे होंगे, पैसा 50-50 लाख सबको बजट में आ गई थी, जिनके पास जमीन नहीं मिल पाया था कलेक्टिव परिषद में उनको किसी कारणवश ने बाकी सारे पूरे प्रदेश में मिला है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम तो शिबू अंसारी है। अच्छा, पहले तो मैं आप लोग को गाजीपुर की पाकिस्तान जमीन पे आए स्टाम्प टीम को मैं दिली मुबारकबाद दे रहा हूँ। शुक्रिया तो आपका दोस्त। अब बताइए क्या क्या है आबो हवा आपके शहर की? देखिए, गाजीपुर की आबो हवा बहुत ही अजीबोगरीब थी, लेकिन जब से महन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर उमेश जी को यहाँ प्रत्याशी बना दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, मसला इस बात पर था कि गाजीपुर अब तक दो लोगों के बीच में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी उस पाले में कभी उस पाले में, और सबसे है कि इतने दिनों में आप उठा के कहीं गाजीपुर में देख लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा गाजीपुर में बेरोजगारी, बगल में नंदगंज। अच्छा, अभी ये कह रहे तो गरीबों के मसीहा थे और बहुत विकास किया, तो उस परिवार का यहाँ की राजनीति में बहुत दबदबा रहा है, लगातार सांसद रहे, पार्टी बदलते रहे, सांसद वही रहे, कभी बसपा से कभी सपा से, तो फिर क्यों पिछड़ गया आपका जिला? सांसद रहे, मसीहा की बात जिसको कह रहे हैं वो इंसान अब दुनिया में नहीं रहे, और उस पर कुछ बोलना नहीं, ठीक बात नहीं है। अब आई बात सांसद जी पे, तो सांसद जी आपको याद होगा जब पहली बार सांसद बने तब भी उनकी जद्दोजहद जेल में बीत गया, अब इस बार भी सांसद बने वो, तो उनका संघर्ष रहा, अफसोस फिर गवर्नमेंट भी नहीं रही। तो हमें कोई ऐसा चीज़ गाजीपुर की, अब कोई कहे रोड पे खड़ंजे पे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जान जाइए, वहाँ हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर की बात होती है, वहाँ पर मौलिक बात होती है, वहाँ पर संविधान की बात होती है। हिंदुस्तान उस पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, हमें तो नहीं लगा, जैसा कि मीडिया आपके जरिए हम लोग जाने, पेपर अमर उजाला हिंदुस्तान दैनिक ने जो लिखा,
कि ये 5 सालों में इनका कोई एक लफ्जी एक ऐसा एक हर्फ यूज नहीं किए जिससे हम लोग जान सके उन्होंने कोई बात उठाई थी। तो संसद में कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की, कोई प्रश्न नहीं उठाया क्षेत्र को लेकर। गाजीपुर की मिट्टी आप जान जाइए ये मोहब्बती मिट्टी है। और मैं आपको बता दूं कि जात पात भेदभाव बहुत हो गया, अभी फला है फला है फला है, अब उग चुका है आदमी। कोई जात की बात करेगा, कोई कहेगा कि जाति में समीकरण पे है, कोई फला है फला। आप जानिए गाजीपुर आवाम बहुत सादगी से वोट कर रही है, खामोशी से वोट कर रही है इस बार। मैं यही बात कर रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं। हाँ। आपसे पहले की भी वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर उमेश सिंह अच्छे उम्मीदवार है, बिल्कुल बिल्कुल तीनों में सबसे अच्छे उम्मीदवार, बेहतर बेहतर। लेकिन लोग साथ में ये भी कह रहे हैं कि वोट हम जाति पे करेंगे, लोगों ने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा कि बिल्कुल। आपने जो हम भी सुन रहे थे, जितने लोगों ने जाति की बात की इनके जहन में गोबर सा है। आप जान जाइए, आम लोग से पूछिए, ये जितने लोग थे ये सब नेता हैं, ये लोग कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए लोग हैं। किसी आम इंसान से आप उठा के पूछ लीजिए कि अब यहाँ जान जाइए, इतना पुराना जिला है, शहीदी धरती मानी जाती है। अब इस शहीदी धरती में अग्निवीर आप जान जाइए, 10+2 का लड़का जहन बना के निकलता है फोर्स में जाना है, अभी UPP की भर्ती हुई। अब 50 लाख फार्म उत्तर प्रदेश में भरा, सीट कितनी थी 60,000, उस 50 लाख फॉर्म में भी क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। पता समझिए पहले। हाँ। अब अफसोस चीज है कि पेपर लीक हो गया, अफसोस इस बात का है जिसकी उम्र 6 महीना 8 महीना, अच्छा उसमें साल तो उसकी ध्रुव काप गई होगी ना, इसका जहन तो सिर्फ 10+2 में जाने का था। उसमें शायद सरकार ने कहा है कि हम एज में रिलैक्सेशन देंगे, अब देंगे वो तो कहा है ना। नहीं वो खैर आरओ की भर्ती हुई। हाँ नहीं मैं उससे सहमत हूँ, हमने हम जब जब भाजपा के लोगों से मिले हमने कहा कि चुनाव के समय में तो सरकारें कम से कम संवेदनशील होने का पाखंड करती हैं। फरवरी में आपके 3 पेपर लीक हुए, मार्च में चुनाव की घोषणा हुई, 12वीं का पेपर मेरे नॉलेज में पहली बार लीक हुआ, मैथ और बायो का पेपर लीक जो हुआ। ये हम भाजपा के लोगों से भी हम पूछते हैं सवाल, ऐसा नहीं हम नहीं पूछते। एक्साइटी से सारी बातों को समेट लूंगा और आप ये आम समझ भी जाएगी, अपनों से चेहरा छुपाया नहीं जाता, गैरों से दर्द बताया नहीं जाता, नमी आंखों में आ जाए लेकिन हर जगह आंसू बहाया नहीं जाता, यही हाल गाजीपुर की आवाम का। आप देखिएगा पिन ड्राइव साइलेंट, जब वोट पड़ेगा चलिए बैलेट पेपर की ताकत आपको बता दी जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात की आपने, इसीलिए मुझे युवाओं से लगता है कि देश में कुछ युवा ही उम्मीद की किरण लेके आएंगे, क्योंकि पके पकाए लोग पकी पकाई और सब जहन बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश पांडे, अधिवक्ता है। अच्छा, यहाँ सब वकील ही हैं क्या? मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग वकालत से जुड़े हुए हैं। जी अच्छा, वकील के पास तो पूरे जिले का ब्यौरा होता है, तो क्योंकि तमाम लोग अपने केस जमीन जायदाद सबके विवाद लेके पहुँचते हैं और तमाम तरह की बातें होती हैं, क्या चल रहा है कचहरियों में? देखिए ऐसा है कि जो ये लोकसभा का चुनाव है ये NDA और जनता के बीच में है। जनता के बीच में इसलिए कह रहे हैं, जनता से लड़ाई इसलिए कह रहे हैं कि सवाल महंगाई पर है, सवाल बेरोजगारी पर है, भ्रष्टाचार पर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, और इस सभी मुद्दों पर वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो असफल है। अब रहा सवाल लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यदि हटती है तो उस स्थान पर कौन नेतृत्व करेगा? तो कांग्रेस जो है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन के तौर पर जो है आज मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये बदलनी भी चाहिए, इन मुद्दों पर भी बदलनी चाहिए। इनके विचारों में कथनी करनी में अंतर है, कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का खुलेआम जो है, जो आप लोगों ने देखा होगा मणिपुर की घटना है जिसको कहने में भी शर्माती है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला खिलाड़ी बृजभूषण सिंह के विरुद्ध जो है लेकर के धरने पर बैठती है, मांग करती हैं 354 के मुकदमे जो होते हैं, पाक्सो के जो मुकदमे होते हैं, यदि एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर यह मुकदमा यदि होता है तो वह व्यक्ति तुरंत अरेस्ट होकर जेल चला जाता है, इसलिए चला जाता है कि कहीं गवाहों को प्रभावित न करे। लेकिन बार बार जो है महिलाओं के द्वारा, उन सम्मानित महिलाएं जो हमारे देश का नाम रोशन की, जो जिस पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने मांगों को लेकर वह मांग करती रह गई, लेकिन FIR तक नहीं दर्ज हुआ जब तक कि कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं हुआ। इसके बाद महिलाओं को घींच कर जहाँ
महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, संसद भवन का उद्घाटन था, महिलाएं अपने मांगों को लेकर के आंदोलनरत थी, उनको जो है खुलेआम जो है लाठीचार्ज किया जा रहा था, घसीटा जा रहा था। हाथरस की रेमन्ना उनको हाथरस की घटना है, हाथरस की घटना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो आप लोगों के द्वारा दिखाया गया। और हाथरस में खुलेआम एक दलित लड़की को खेतों में जला दिया गया, जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो एक संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको भी नहीं किया गया। तमाम ऐसी घटनाएं लखीमपुर खीरी को देखिए, किसानों के हित की बात करते हैं, खुलेआम जो है एक राज्य माने केंद्रीय मंत्री उनका लड़का जो है के गाड़ियों से जो है किसान कुचले जा रहे हैं, फिर भी वो मंत्री बने हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा दे रही है, बृजभूषण सिंह को सुरक्षा दे रही है। तो ऐसी स्थितियों में इनके कथनी और करनी में अंतर है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लेते हैं, उनके नाम कहते हैं कि भूलवश नाम आ गया है, उनकी पत्रावली गायब हो जाती है, उनको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध द्वारा मानदंड कैसे, माफियाओं की बात करते हैं, किसी माफिया को आप सुरक्षा देते हैं, किसी माफिया के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई करते हैं, जो आपके साथ गया उनको आप जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो ये दोहरा मंडल पूरे भारत की जो जनता है वह इनकी देख रही है। रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना, वह रेपिस्ट, सबसे बड़ा रेपिस्ट भारत का, उसका प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं और दूसरों को घुसखोर कहते हैं। इलेक्ट्रोरल बांड ने इनके चेहरे को, जो असली चेहरा है जो नकाब के बीच ढका हुआ था, वह सामने ला करके खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति है जिसको सहायता की आवश्यकता है, एक कंपनी है खुद घाटे में चल रही है, उसके ऊपर आप ईडी की जांच कराते हैं, जैसे पैसा देता है ईडी की जांच भी बंद हो जाती है। अब सोचिए जिसको चंदे की आवश्यकता है वह चंदा दे रहा है। आप जो है गौ माता की बात, एक बात बताइए मुझे, आप लोग आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सभी पार्टियों ने चंदा लिया, सभी पार्टियों ने लिया है, और वो देश के कानून, संसद में जो कानून बना था, बजट में उसकी घोषणा हो गई, बजट में उसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद वो कानून बन के आया था, तो उसके लाभार्थी तो सभी पार्टियां हैं। आप इस पर सुनिए, आप सत्ता में हैं, हम क्या कहें, इसी बात को हमने कहा ना, वही आप जो कोई चंदा यदि आपका सहयोग करता है, आपको गिफ्ट करता है, तो अपने स्वेच्छा से करता है। इनको जो गिफ्ट मिला, इनको जो दिया गया, वह दबाव बस, प्रेशर बस, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए चंदा उगाही का काम इन्होंने किया। इसका विरोध कर रहे कि आप गलत तरीके से धन उगाही आपने किया। ऐसे ऐसे कई राज्यों में, जैसे बंगाल में था, तमिलनाडु में था, जहां पे जिन लोगों के मामले चले, दूसरे राज्यों में भी सभी पार्टियों ने इसके फायदे उठाए हैं। आपको अभी हमने कहा ना कि देखिए जो राजनीतिक दल है, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति यदि सहयोग अच्छा, करता आप है, देता रहे हैं कि दूसरों को स्वेच्छा से मिला, इनको इन्होंने धमका के लिया, धमका उदाहरण है, उदाहरण आपको अभी हमने दिया ना, उदाहरण हमने दिया, आंकड़े कुछ और भी हैं। तमिलनाडु में जिनके खिलाफ मामले थे उन्होंने वहां दिया है, तृणमूल के खिलाफ, बंगाल में जिनके खिलाफ थे, ये मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सब अब लोग कह रहे हैं, लेकिन फायदा सभी पार्टियों ने लिया है, उसका सभी पार्टियों ने लिया, जो जिस पार्टी सरकार जिसके पास थी निश्चित रूप से उसको एक एडेड एडवांटेज होता है, पर जिस पार्टी ने 1600 करोड़ लिया है वो भी अब सवाल उठा रहा। ये मतलब इस पे थोड़ा सा मेरी आपसे असहमति है सर, क्या नाम है, असहमति मत आप करिए। हाँ, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, पहले हमारे अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पीछे से कहने बताइए। कोविशील्ड वैक्सीन सबको लगवाया गया, ठीक है, क्या कि प्रमाण पत्र मिलेगा, कुछ लोग तो तीनों लगवाए, भाई मैं तो एक लगवाया, ठीक है, इसलिए लगवाया कि लोग कहते थे कि प्रमाण पत्र बिना आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन वो जान का खतरा बनी हुई है, खुलासा हुआ है, हमारे वैज्ञानिक खुलासा किए, वैज्ञानिक भी खुलासा किए हैं। कोविशील्ड जो कंपनी है उसी, एक मिनट में बता दूं, उसी कंपनी ने कोर्ट में बताया है कि साइड इफेक्ट्स हर दवा के होते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट्स दुर्लभतम मामलों में हो सकते हैं। लंदन के केस में बताया गया। चले चले, हमारे समय खत्म हो गया, काफी टाइम हो गया। थोड़ा सा एक बात कहना चाहते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि काफी विकास हुआ, देश में विकास हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप पत्रकार हैं, एक मजबूत स्तंभ जो है लोकतंत्र के आप माने जाते हैं, इनसे ये कहिए कि 10 साल में आपने यदि विकास किया है तो विकास के आधार पर चुनाव क्यों नहीं आप लड़ रहे हैं, आप मंगलसूत्र का भय क्यों दिखा रहे हैं,
आप हिंदू मुसलमान का भय क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, ये हम भाजपा के लोगों से हम ये पूछते हैं, आप हमारे इंटरव्यू देख लीजिए, आप ये जान लीजिए कि इनके दोहरे चरित्र है। इस चरित्र को जनता समझ चुकी है कि जन विरोधी जितने भी कार्य है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है। इससे बेहतर जो है जनता जो है इंडिया गठबंधन को पसंद कर रही है, राहुल गांधी को जन नेता के तौर पर पसंद कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने राहुल गांधी को जन नेता के तौर पर मान लिया। चलिए सर बताइए आप। सबसे पहले तो आपने जो शब्द कहा है आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपने एक शब्द कहा है कि हर पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया, हमारी बहन जी ने नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया। पहली बात आप ये जान जाइए, अब मत कहिएगा कि सभी पार्टियों ने लिया। भाई साहब चलिए ठीक है, इसमें पहला शब्द ये होना चाहिए। दूसरा शब्द की उम्मीदवार की स्थिति क्या, छोड़िए बताइए आपके उम्मीदवार। हमारा उम्मीदवार यहाँ ताव से जीतने जा रहा है, चलिए पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात शॉर्ट बता रहा हूँ, जो लोग विकास की बात करते हैं क्या 5 किलो राशन यह देंगे और 10 किलो यह देंगे, इससे विकास होगा? मतलब आप दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। पांच पास सुनिए, पांच पास। हाँ। सरकारी नौकरी दी है बहन जी सफाई कर्मचारी सर्वजन को, वह विकास हुआ है कि 42,000 आज तनख्वाह पाता है वो आदमी। यह तो भिखमंगा बना रहे हैं कि 10 किलो हम देंगे 5 किलो हम देंगे, मैंने दुनिया को भिखमंगा बनाने। क्या बढ़िया राजनीति है, क्या बढ़िया राजनीति है कि विकास हो गया। अरे इतने लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए कौन साफ है जिस स्कूल में पढ़ा लेगा, कौन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेगा, पूछिए आप इनसे। 5 किलो राशन में पूछिए आप इनसे कौन पढ़ा लेगा। अगर कोई इस देश को दिशा और दशा देगा तो मायावती जी देंगी। पर चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही है? चुनाव इतना बढ़िया लड़ रही है कि मीडिया और उद्योगपति दो ही कह रहे हैं कि नहीं लड़ रही है। महाराज आधी सीटों पे तो उम्मीदवार बदल रहे हैं बार बार। हमने हमारे पास हिम्मत है, हमारा बहुजन समाज पार्टी ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे अच्छे अच्छे आते हैं और ट्रेनिंग लेके अरे भाई अगर हमने उनको 10,000 में फ्री में बना दिया और कोई 40,000 करोड़ दे रहा है तो ये तो चला ही जाएगा। अरे तो ये कह रहे हैं कि आप एक मिनट, ये कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। भाई देखिए 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 सारे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सुन लीजिए, बहन जी को लोग कहते हैं बी टीम है। बहन जी ने तमिलनाडु में नहीं लड़ाया, बहन जी ने घोसी में नहीं लड़ाया, आप चुनाव जीत गए, जीत गए ना, घोसी भी जीत गए और तमिलनाडु भी जीत गए, और अब क्या कह रहे हैं कि हम अपने से जीते, बहन जी को नहीं लेंगे, बहन जी को ले लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, बहन जी आ जाएंगे तो मंच छोड़ के चले जाएंगे। क्या ड्रामा है साहब, मतलब साहब बात होना चाहिए, बात होना चाहिए। मैं किसी के बात में नहीं बोला हूँ, नहीं नहीं, लेकिन यहाँ तो हसीनों ने अपना बदन बेच ढाला, कमीनों ने अपना वतन बेच ढाला। हम उस भाई को भाई कैसे कहें जिसने अपने ही भाई का आज कफन बेच डाला। जैसे मैं देख लीजिए जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार मर गए, अब उद्योगपति ठेकेदार, एक ही ठेकेदार आएगा पूरा गाजीपुर का ठेका ले लेगा। अब ये जो छोटा दुकानदार है ये मर गया, अब बड़ा बड़ा माल खुलेगा वो चलेगा। सर शॉर्ट में करिए, ठीक है ना, बहुत चले ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओम प्रकाश आनंद नाम है मेरा, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। धन्यवाद आपको, आपने इतना मौका दिया, लेकिन मीडिया अगर जिस दिन मीडिया चाह जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि हम लोगों का 2 लाख से शुरू होगा वोट और कुसी का 1 करोड़ से शुरू। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और सुन लीजिए, कोई 37 दल है और कोई 27 दल है, और शेर तो अकेला माननी बहन जी हैं कि इनसे आताताइयों से अकेले लड़ रही हैं। दीप है, किधर निकलेगा तो काट दिया जाएगा। जैसे आप मीडिया है तो आप भी दबा दे रहे हैं। नहीं नहीं, मत दबाइए। मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं, मीडिया ना किसी की सरकार बनाती है ना मीडिया किसी की सरकार गिराती है, जो जमीन पर होता है उसके बारे में रिपोर्ट करता है। चलिए बहरहाल, अब गाजीपुर की जनता थी, इनके अपने मत हैं, इनके अपने मुद्दे हैं, इनका मुद्दा क्या रंग खिलाता है ये 1 जून को जब वोट डालेंगे तब पता चलेगा, और असली परिणाम सामने आएगा 4 जून को, तब देखेंगे कि जो लोगों ने जो बातें की हैं उस पर टिके रहे हैं या अंदर जाके जाति धर्म और क्षेत्रीयता हावी पड़ गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।